टू माई चैनल मांसी लव्स फैशन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फेस शेविंग की। फेस शेविंग के बारे में बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स हैं जो फैले हुए हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको क्लियर करूँगी। एक्चुअली फेस शेविंग सेफ है, नहीं है, क्या रिजल्ट होता है इसको एक बार करने के बाद, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। किस तरीके से फेस शेविंग करी जाती है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ऑलरेडी मैंने एक दो बार फेस शेविंग कर चुकी है, उसके रिजल्ट चेक किए, उसके बाद ही आज मैं आपके साथ तीसरी बार ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मीन्स रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है गाइस, जब फेस पे क्या होता है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे अभी भी यहाँ पे जॉ लाइन पे आपको हेयर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको हेयर्स दिख रहे होंगे, एक्स्ट्रा ग्रोथ है थोड़ी, और यहाँ पे भी इस बाल के ये जो हमारे हेयर्स हैं इनको छोड़ के यदि यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे भी आपको हेयर्स दिखेंगे, थोड़े थोड़े हेयर्स यहाँ पे भी दिखते हैं, और फोरहेड पे भी यहाँ पे भी हेयर्स आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके के हेयर्स हमारे मेकअप में हमें थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन मेकअप नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, यदि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप ऑफिस कॉलेज गोइंग हो, तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको फेस शेव करना पड़े। मैंने भी आज तक फेस शेविंग नहीं करी थी, लेकिन जब से मैं ये YouTube में आई और मैंने मेकअप वीडियोस ज़्यादा करने लग गए, उसके बाद से ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। क्या होता है कि जब हम मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा हमें वैसे पता नहीं चलता है, जबकि हम जब हम उसे वीडियो पे रिकॉर्ड करते हैं तब हमें वो चीज़ फाइनल मतलब चीज़ें जो होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, तब हमें वहाँ पे एकदम क्लियर पिक्चर चाहिए होती है। इस वजह से हमें ये फेस शेविंग करते हैं, मतलब मैं करती हूँ। अदरवाइज़ यदि मेरे लिए ये रिकॉर्डिंग वगैरह कैमरा फेस करने वाली बात नहीं होती, शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी फेस शेविंग नहीं करती। मोस्ट प्रॉब्ली हमें क्या होता है, अपर लिप्स वगैरह पे हमारे आ जाते हैं, जिसको हम जब थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं तब हम अपर लिप्स बनवा लेते हैं, तो उस समय के लिए तो ठीक हो जाता है। ये तो मैक्सिमम लोग करते होंगे, आई नो, तो ये चीज़ तो सही है। लेकिन बात आ जाती है जब फेस शेविंग की, तब बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि फेस शेविंग का रिजल्ट क्या होता है, क्या हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोटे बाल आने लगते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें फेस शेविंग इस तरीके से करनी होती है, जो हमारे हेयर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमें रेजर चलाना होता है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं चलाना होता। इससे क्या होता है कि हम हेयर्स को पुल नहीं कर रहे होते हैं, इससे हमारे हेयर्स जो है वो कभी भी मोटे नहीं निकलते, क्योंकि जो बाहरी लेयर है, बाहर जो हमारे हेयर्स निकले हुए हैं, उन्हें सब बस हम कट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इससे हमारे हेयर ग्रोथ जल्दी बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी हेयर ग्रोथ फास्ट नहीं होती। मैंने जब से ये चीज़ यूज़ करी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और काफ़ी दिनों तक मुझे इसे यूज़ नहीं करना पड़ता है। आज का भी वीडियो बनाने के लिए मैं कम से कम पता है एक महीने से बैठी हुई थी, एक महीने से मैंने अपने फेस पर कोई रेजर नहीं चलाया कि मैं आपको वीडियो शो कर सकूँ, प्रॉपर आपको देख सके सारी चीज़ें, कैसे क्या यूज़ करना है वो सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ ये पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र। आप चाहो तो आप ड्राई स्किन पे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और आप चाहो तो सबसे अच्छी चीज़ एलोवेरा जेल होता है। मेरे पास एलोवेरा जेल अभी है नहीं, फिर मैं आपको रेज़र दिखा देती हूँ। ये कैन ब्रांड का रेज़र है जो कि मैंने नायका से मंगाया था। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके का रेज़र हमें मिल जाता है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, और इसका ब्लेड कुछ इस तरीके से रहता है, काफ़ी अच्छा रेज़र है। इसके दो रेज़र ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। चलिए सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ बस। तो गाइस, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा फेस, आप नज़दीक से देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेरा फेस है। अब इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और मैं दिखाऊंगी रिजल्ट किस तरीके से इसको यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा जूम कर लेती हूँ। सबसे पहले ये जो यहाँ पे हेयर्स आप देख रहे हो, ये कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके से हेयर्स मेरे आ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो मैंने यहाँ पे अजीब से हेयर्स थे बीच में से, ऐसे से निकले हुए थे, तो मैं इनको हमेशा क्लियर कराती आई थी जब भी मैं कोई सैलून बुक करती थी। तो अब यहाँ की ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गई है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको सेम हेयर्स के डायरेक्शन में ही आपको रेज़र चलाना है, और हमेशा इस तरीके से हल्का सा पुल करते हुए। ये ऑप्शनल पार्ट है, प्लीज़ आप इसको नोटिस मत करना, ये सिर्फ मेरे लिए है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने फेस पे करना है। आप फोरहेड से आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मैं बहुत धीरे धीरे 45 डिग्री पे आपको इसको रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं रखना है, 45 डिग्री के अराउंड आपको इसको रखना है, और इस तरीके से आपको ऐसे करना है।
आपको अपने आईब्रोज के पास बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको ध्यान से करना है बिल्कुल। आपको अपने पास एक वाइप्स रखनी है कुछ इस तरीके से, आप उसे क्लीन करते चलना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस, हमेशा ही ये रेज़र जो है ना आपके डेड स्किन्स को भी रिमूव करता है और ब्लैकहेड्स वगैरह को भी रिमूव करता है, तो नोज़ पे और फोरहेड पे यहाँ इसके पास यहाँ पे करना भूलना नहीं, क्योंकि अच्छे से आपके जितने भी ब्लैकहेड्स हैं ना उनको रिमूव कर देता है। अब आपको एक क्लीन वाइप्स या फिर कोई भी कॉटन टॉवल, सिंपल टॉवल से आपको पहले अपने फेस को क्लीन करना है, झाड़ना है, इस तरीके से जो भी हेयर्स आपके फेस पे लगे हुए हैं उसको रिमूव करना है। नाउ यू कैन सी माय फेस। सो गाइस, फेस शेव कर लिया, अब इसे गर्म पानी से आप धुलो, हल्के वार्म वाटर से फेस को क्लीन कर लो, उसके बाद आप फिर से इसमें एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हो या फिर एलोवेरा जेल, आपको जो भी ठीक लगता है, मॉइस्चराइजिंग के लिए जो भी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, या तो कोई आप सीरम भी यूज़ कर सकते हो, सीरम भी अच्छे से लगा सकते हो। और एक चीज़ बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा एक्ने है आपके स्किन्स में, तो एक्ने को छोड़कर ही आपको लगाना है उसे, इसे यूज़ करना है रेज़र को, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आपको सबसे पहले इस तरीके से जॉ लाइन के पास ना इस तरीके से आपको एक पैच रेज़र यूज़ करके देखना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, कोई इरिटेशन या कोई इस तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो ही आप पूरे फेस पे रेज़र को अप्लाई करो। इन चीज़ों का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। वैसे ये फेस शेविंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हो तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने फेस को सेव कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो और आपके मेकअप को एकदम फ्लॉलेस बना सकते हो। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। बाय।